आज के लेसन में हम देखेंगे कि अगर आपकी एक कैंडल जो है उसके साथ कुछ मसला हो जाता है तो हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। मैं एक कैंडल बना रही हूँ, आइस कैंडल, जिसके लिए मैं मिल्क कार्टन को यूज़ करूँगी और सोए वैक्स को मैं यूज़ कर रही हूँ। डबल बॉयलर मेथड से मैं इसको मेल्ट कर लूँगी। जितनी देर मेरी वैक्स मेल्ट हो रही है, मैं अपने मिल्क कार्टन के अंदर आइस क्यूब्स जो हैं इरेगुलर शेप के, उनको डाल लेती हूँ। क्योंकि मैं एक बड़ी और कंटेनर कैंडल, पिलर कैंडल इनफैक्ट बनाना चाह रही थी, तो इसलिए मैंने ज़्यादा इसमें इसकी हाइट भी रखी है और आइस क्यूब्स में ज़्यादा इसमें डाल रही हूँ। मीनवाइल वैक्स जो है वो मेरी मेल्ट हो गई है, तो मैं इसमें डाई जो है वो ऐड कर लेती हूँ। डाई जो है वो कम्प्लीटली मेल्ट हो गया है इसके अंदर, तो अब मैं इसका टेम्परेचर चेक कर लेती हूँ, क्योंकि टेम्परेचर चेक करने के बाद आई विल बी एडिंग माई रिक्वायर्ड फ्रेग्रेंस इनटू इट। टेम्परेचर मेरा ठीक है, तो दिस इज़ द राइट टाइम कि मैं जल्दी से इसमें सेंट को ऐड कर लूँ, और देन माई पोरिंग शुड बी वेरी क्विक, तो मैं जल्दी से अब इसको अपने कार्टन के अंदर जो है वो पोर कर लेती हूँ। इसमें एक मसला ये मेरे साथ हुआ कि मैं इसमें विक लगाना भूल गई थी, तो इन केस आपके साथ कुछ इस किस्म का इशू हो जाता है जिसमें आपका कोई भी ट्रबल हो जाती है आपकी कैंडल के साथ, तो कैंडल है वो उसको वेस्ट ना करें, बल्कि उसको दोबारा से अनमोल्ड करने के बाद आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अभी जो है इसमें पानी आपको दिख रहा है, तो आई विल बी ड्रेनिंग दिस वाटर, और अब मैं इसका जो कार्टन है इसकी कटिंग करके मैं इसको अनमोल्ड कर लेती हूँ। अब क्योंकि इसमें विक नहीं मैंने लगाई थी, ये इशू हुआ था, तो मैं इस पूरे वैक्स के जो ब्लॉक को, जो कैंडल ब्लॉक मैंने बनाया है, इसको मैं दोबारा से डबल बॉयलर मेथड से मेल्ट कर लूँगी, और ये दोबारा से उसी तरह से वैक्स मेल्ट हो जाएगी जैसे फर्स्ट टाइम थी बिफोर आई पोर्ड इनटू इट। और जब ये मेल्ट हो जाएगी तो मैं इसको दोबारा से अपने रिक्वायर्ड पेपर कप में या मिल्क कार्टन में विक लगाने के बाद पोर करूँगी, तो मेरी कैंडल एक नई बन जाएगी विदाउट एनी वेस्टेज। तो लेट मी डू इट नाउ, मैं इसको मेल्ट कर लेती हूँ और इसको पोरिंग करने के बाद आई विल शो यू द अनमोल्डिंग ऑफ माय कैंडल, दैट हाउ डज इट लुक लाइक। मैंने इस पेपर कप के अंदर जो है उसको पोर किया था, अब मैं इसको क्योंकि ये भी मैंने आइस कैंडल ही बनाई थी, तो इसके अंदर पानी आपको दिख रहा है, अब मैं पेपर कप को ट्रिम कर लेती हूँ ताकि जो है पानी निकाल सकूँ मैं इसमें से, और इसमें मैंने विक लगाई थी, तो दिस इज़ माई परफेक्ट कैंडल गोइंग टू बी। सो एज़ यू कैन सी कि जो आइस कैंडल की एक स्पेशलिटी होती है कि उसके अंदर डिफरेंट एरियाज़ पे होल्स होते हैं, वो इसमें हैं, और ये बहुत अच्छी सी कैंडल बन गई है, एंड आई डिड नॉट वेस्ट एनी ऑफ माई वैक्स, और मैंने उसी को रिसाइकिल करके अपनी एक नई कैंडल बना ली है। सो दिस इज़ हाउ यू कैन रीडू योर कैंडल्स, कि अगर आपके कभी भी कोई ट्रबल हो जाती है तो यू हैव टू ट्रबल शूट लाइक दिस।